This movie is encoded by Dr. Star. सन 2065 में युद्ध ने दुनिया का विनाश कर दिया था। अपनी परेशानी में हमने सितारों में अपने नए घर की तलाश शुरू की और जब हमें लगा कि हमें घर मिल गया है, हमें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा मिशन बहुत अहमियत रखता है। हमें कामयाब होना ही होगा। हम आखिरी हैं। और आप सवाल करते हैं कि क्यों? जिंदगी और जिंदा रहना हर एक जीवित प्राणी के जीनोम में बना है। किसी भी कीमत पर सहन करना और विकसित होना। करोड़ों सालों से ये पृथ्वी कई किस्म के खूबसूरत और हैरत अंगेज प्राणियों का घर है। वो सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। बेशक उनमें इंसान भी शामिल है, जिसे अपना भविष्य खुद बनाने वाला कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली जाति जो लाखों सालों के विकास के बाद अपनी हर जरूरत के अनुसार वातावरण को बदलती रही है। वो सिर्फ 7 साल पहले की बात है, सन 2065 में, क्योंकि दुर्भाग्य से ये वही साल था जब हमारी खूबसूरत दुनिया एक परमाणु युद्ध में बर्बाद कर दी गई थी जो सिर्फ 67 मिनट तक चला था। इतनी तेजी से बम बरसाए गए कि किसी को भी न तो विदा लेने का समय मिला और न ही कोई किसी से बात कर पाया। युद्ध के शुरू होने का किसी को पता ही नहीं चला और पलक झपकते ही दुनिया खत्म हो गई। कुछ बचे खुचे इंसान स्काउट शिप्स में बैठकर बर्बाद हो चुकी दुनिया से दूर आकाशगंगा के दूसरे कोनों की ओर भागे, एक और ग्रह की तलाश में। मैं भी उन्हीं में से एक स्काउट शिप में हूँ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम आखिरी हो सकते हैं। जब हमें पेगासस से सिग्नल मिलने शुरू हुए, हमने अपना रास्ता बदल लिया और उस ओर जाने लगे जो हमारा नया घर बनने वाला था। पेगासस के बलिदान का मतलब था कि मानव जाति एक नई शुरुआत करते हुए अपना भविष्य बना सकती है, ये जानते हुए कि हम आखिरी नहीं थे। तो चलो, मैं आखिरी स्क्रू निकाल रहा हूँ। देखना कि तुम उसे पकड़ कर रख सको। फिक्र मत करो, ये हाथ हिलने वाले नहीं है। मैं एक भी नहीं खोना चाहता, सावधानी से करना। हाँ, यहाँ पहले से ही बहुत से स्क्रूज ढीले पड़े हुए हैं। माइकल, क्या तुम बोर्ड के कुछ क्रू मेंबर्स की सेहतमंद दिमागी हालत को कोस रहे हो या मेरी शिप को लेकर अपमानजनक इशारे कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी शिप? तुम हो क्या? ये शिप मिली है मेरे दोस्त। वो क्या कहूँ तुम्हें, कोई भी इसे एक दिशा दे सकता है और गो लिखे हुए बटन को दबा सकता है। और ये मत भूलो माइक, मैं एक जीनियस हूँ। पहली बात ये कि इसे उड़ाते रहना है और दूसरा ये कि इसे गिरने नहीं देना है। समझ में आया? इसलिए मेरी रोकने के लिए माफी चाहता हूँ लेडीज, लेकिन ये शिप जिसको लेकर आप लड़ रहे हैं ये दरअसल मेरी है, इसलिए शांत हो जाइए। कैप्टन, तो ये शिप किसकी है? जॉन की शिप है। बहुत अच्छे, अब बताओ इस काम में कितना समय लगेगा? बस एक नया वॉल्व लगाना है। तुमने सुना ना, जितनी जल्दी हो सके। इंजन से 1 घंटे से पहले शुरू हो जाने चाहिए। धूल का बड़ा गुब्बारा इस ओर आ रहा है, उसके पहुंचने से पहले इसे ठीक करो। समझ गया सर, हम काम जल्दी निपटा लेंगे। तो तुम क्या कह रहे थे? पहले देख लूं कि वो सुन तो नहीं रहे हैं। कैप्टन, ठीक है, हम कहाँ थे? ये शिप माइक मेरी है क्योंकि मैं ही हूँ जो हर समय इसे टुकड़े टुकड़े होकर गिरने से बचा रहा हूँ। किसी ने कहा है कि माइक हमें तारों के बहुत नजदीक ले जाता है या उल्का पिंड की कतारों के बीच में से या ब्लैक होल के अंदर, जब भी आप उन कंट्रोल को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। हो सकता है ये टुकड़े टुकड़े होकर ना गिर रही हो, लेकिन तुम इसे इस समय ठीक नहीं कर रहे। जिम्मेदारियों को बांटना मेरे काम का हिस्सा है, पता है ना। उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं जोखिम लेकर एक प्लाज्मा वॉल्व को जोड़ने के लिए बाहर जाऊँ, जबकि मैं तुम्हें इसके बारे में बोलकर बता सकता हूँ। अगर ऐसा है तो हम लाइला को भेजेंगे। वो सूट उसके लिए बहुत बड़ा है और ये भी कि हम सिर्फ उन्हीं क्रू मेंबर्स को बाहर भेज सकते हैं जो कुर्बानी दे सकते हैं। अपनी बकवास बंद कर, मेरे बिना ये शिप नहीं उड़ सकती, समझे? ये बहुत अजीब है क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टन और को पायलट अगली 2 पायलटिंग शिप्स लेने जा रहे हैं। क्या वो सही है? कोई शिप को मेरे जैसा नहीं उड़ा सकता। अब चुपचाप अपना काम खत्म करो और शिप के अंदर आ जाओ। जॉन को पता चला ना तो बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तो अब मेरे लिए इनाम भी है। ठीक है, तुम्हें ये देखने की जरूरत है कि सभी कोने लाइन से लगे हों और ये भी देख लेना कि खांचे मैच कर रहे हों। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे पीछे से आगे रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे मैनुअल रखा हुआ ना, मुझे लगा था तुम एक जीनियस हो। स्क्रूज को वापस टाइट करो और पैनल को फिर से बंद करो और तभी काम पूरा होगा और फिर मैं एक प्रेशर टेस्ट कर सकता हूँ। रुको जरा, इस हिस्से में सब कुछ ठीक हो जाने दो, उसके बाद तुम प्रेशर टेस्ट करना। अरे फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें यहाँ से उड़ाकर दूर आकाश में फेंक देगा, जब तक कि तुम ठीक से काम कर रहे हो। सावधान, हीलियम टैंक्स में प्रेशर ज्यादा हो गया है। अरे नहीं माइक, मैंने अभी एक स्क्रू गिरा दिया, मैं उसे देखता हूँ। जो तुम्हारे पास है उनमें से एक ले लो। तुम्हारे पास और भी है क्या? अब ये इतनी देर बाद क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, फिर से सॉरी दोस्त। तो आज खाने में क्या है? तुम्हारी पसंद का है। तो अच्छा, चिकन आलू का सलाद और प्याज के टुकड़े, आज तो मजा आएगा। बिल्कुल, एडवर्ड उसके लिए सब कर रहा है। कल रात की पार्टी के लिए हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। हैच बंद कर दिया है, अब एयरलॉक में वापस आ रहा हूँ। ब्रिज की ओर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। जेन, मैंने पीट का काम कर दिया है, मैं अंदर आ रहा हूँ। समझ गई, कोर्स पहले से ही प्लॉट किया जा चुका है। माइक अब वापस आ गए हैं, एयरलॉक बंद कर दिया गया है। उसे चलाने जा रही हूँ। अच्छा काम किया। पेगासस आकाश में वैसे ही उड़ती है जैसे एक पनडुब्बी पानी को चीर कर जाती है। क्या आपके पास पनडुब्बी है? मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने कुछ ठीक की है। समुद्र में और क्या होता है? समुद्र में वहाँ बहुत सी चीजें होती हैं। क्या मैंने तुम्हें मूंगा चट्टानों के बारे में बताया था? नहीं बताया ना? अच्छा, मूंगा चट्टाने पानी के नीचे एक बड़े और खूबसूरत बगीचे की तरह होती हैं, जिसमें लाखों रंग होते हैं जो मीलों तक फैली होती हैं, और वहाँ बहुत सी मछलियाँ भी देखने को मिलती हैं। क्या हम आज रात जॉज देख सकते हैं? आपने कहा था शार्क समुद्र में रहती है। अच्छा, ऐसा कहा था? हाँ, वो समुद्र में होती हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें जॉज दिखाई तो हेली को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, हम वो सीक्रेट रख सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस शिप में मेरी अच्छी दोस्त हो, समझी? तुम्हें स्कूल तो नहीं जाना ना? पक्का ना? हेली, लीला की पढ़ाई का वक्त हो गया है, वो इस समय पीट के साथ इंजीनियरिंग में है। क्या आप चाहती हैं मैं उसे याद दिलाऊं? मुझे आपका पिछला लेसन, खासकर मानव इतिहास वाला, बहुत दिलचस्प लगा था। नियंत्रित पदार्थ लॉकर कोड स्वीकार किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर हेली मैथ्यूज। थ्रस्टर यूनिट 4 थोड़ा धीमे चल रही है, दूसरों के मुकाबले 2 सेकंड्स देरी से। मैं सिग्नल चेक करने जा रहा हूँ। टेस्ट सिग्नल को यूनिट A से F तक भेज रहा हूँ। तुम्हारा बाहर घूमना कैसा रहा? क्या मौसम अच्छा था? हाँ, वहाँ हवा अच्छी थी। एक और दिन काम करते हुए बीत गया। सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। आज का दिन नहीं। ऐसा क्या? आज क्या है? आज किसी के लिए खास दिन है। क्या मतलब है तुम्हारा? हैप्पी बर्थडे। अरे तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? मेरे डैड का भी है, या मेरे डैड का होगा कल। पिछले साल तुमने उसे वैसे ही बीत जाने दिया, तो मैंने सोचा फिक्र मत करो, मैंने किसी को इस बारे में याद नहीं दिलाया। हम कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आगे से मैं अपना बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहूँगा। ओह, कोई बात नहीं बूढ़े आदमी, मैं गिफ्ट वापस ले लेती हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। पर ये है क्या? वो सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, पर इसमें से कुछ बाहर निकलकर मेरा चेहरा तो नहीं नोच लेगा? सरप्राइज के लिए तैयार रहना। तुमने केक बनाया? तुमने केक बनाया? एक्चुअली मैंने हेली को कहा था, और मैं चीजों को बेकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझसे तो कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बना। वैसे लायला तो इसे बनाना सिखाती है। तो इसका मतलब ये गिफ्ट लायला और हेली की ओर से है? सुनो, मैंने इसे बनाने के लिए कहा था, अगर मैं नहीं कहती तो केक बनता ही नहीं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ समुद्र होगा? मेरे ख्याल से नहीं। शायद जिस ग्रह की ओर हम जा रहे हैं वो रहने लायक नहीं है। सब कह रहे थे कि हम जहाँ जा रहे हैं वो अच्छी जगह है और वहाँ सब आएंगे रहने के लिए। अच्छा, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम किसी बात को लेकर घबरा ना जाओ, पर मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया? सच। बिल्कुल ठीक, पीट तुम्हें हमेशा सच बताता है, बताता है कि नहीं? क्योंकि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या अब तुम्हें थोड़ी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? अगर ही मेरे बारे में पूछे तो आप कहना आपने मुझे नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं बाकी सभी से झूठ बोल सकता हूँ। चलो जाओ जाओ। मुझे उम्मीद है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ मिस्टर बर्टल। बिल्कुल भी नहीं। एक इंजीनियर अपने कैप्टन से कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता है ताकि आप उसके कामों की तारीफ कर सकें। बिल्कुल सही कहा। अब तुम सी डेक के ऑक्सीजनरेशन यूनिट्स को ठीक कर सकते हो। दूसरी यूनिट्स उनकी कमी को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम कर रही हैं और अगर वो जलना शुरू करती हैं तो सांस लेने जैसी छोटी समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी, खास तौर पर जब तुम ऑक्सीजन का इस्तेमाल फालतू चीजों पर कर रहे हो। पहली बात तो ये वो जलने नहीं जा रही है। मैंने एस्केप पॉड के लिए एक यूनिट नैकेड यूनिट के साथ बदल दी है, तो हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखो, तुम एस्केप पॉड की यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पहले तो वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें, और दूसरा कि वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती हैं। अगर हमें से किसी को भी उनकी जरूरत पड़ी तो हम कुछ मिनटों में ही अपनी जान गंवा देंगे। मतलब आपकी नजरें उस पर हैं? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? बस बहुत हुआ पीट। माना तुम्हें बहुत से काम करने हैं, लेकिन एडवर्ड भी सही कह रहा है। सुना ना तुमने? तुम्हें जनरेटर को वापस पॉड में लगाने की जरूरत है और मुझे अगले 24 घंटों में लेवल सी का जनरेटर ठीक चाहिए, वरना तुम पॉड में चले जाओ ताकि यहाँ जो ऑक्सीजन है उसे हम इस्तेमाल कर सकें। जी बॉस। और कुछ नहीं। कुछ ही देर में हम सबको भूख लगने वाली है। आज डिनर तुम्हें तैयार करना है ना? चैन से सांस भी नहीं ले सकता। चलो। प्लाज्मा ओवरलोड का वॉल्व को खराब करने में ज्यादा हाथ है। शुक्रिया। सच कहूं तुमने आज मेरा दिन बना दिया। अच्छा, मुझे वो बॉक्स वापस दोगी? हो सकता है अगले साल जरूरत पड़े। ये अब मेरा, तुमने ये मुझे दिया था। शुक्रिया। उसमें अभी भी केक बचा है, मैं खाना चाहती हूँ। ठीक है, लगता है तुम ठीक कहती हो। शुक्रिया, तुमने कुछ तो सीखा। ये केक बहुत अच्छा है। ये वाकई अच्छा बना है, सच कह रही हूँ। यहाँ थोड़ा लग गया है। कहाँ? मैं साफ करता हूँ। मैं तो बस लाइन मार रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। करीब आने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे वो... ये तुम्हारी चाल है, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम्हें लगता है मैं समझती नहीं? जानते हो ना मुझे 7 साल हो गए हैं इस शिप पर। ठीक है, देखो आज मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है। ठीक है, आज के लिए हाँ कह रही हूँ। कबाब में हड्डी। पेगासस, क्या तुमने जांच कर ली है? अभी नहीं, हमें रिपोर्ट मिल चुकी है। इतनी दूर से कैसे? वो इतनी दूर से आई कैसे? यूटा से आई है। क्या लिखा है? इनक्रिप्टेड है, कैप्टन ही पढ़ सकते हैं। अरे नहीं, वो आ कहाँ से रहे हैं? कितना वक्त लगेगा? वो लोग अपनी उड़ान के मुताबिक ही चल रहे हैं। ये संदेश उन्होंने 4 महीने पहले भेजा होगा। एक ऐसी शिप जो संदेश भेज सकती है और जिसका कॉल बहुत देर में लगता है, ये जरूर वही शिप होगी। शायद आप जानते ही होंगे कि जब से हम चल रहे हैं मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं। मैं सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही देखते हुए कि हमारे पास रिजर्व हो, और ऐसा करने से हमारी क्षमता बढ़ गई है। मैं जानता हूँ। बात यह है कैप्टन कि इंजन अपनी क्षमता से दोगुना काम कर रहा है। मैं एंटी मैटर को ऐसे फूंक रहा हूँ जैसे कल का दिन हो ही ना, और नतीजन मुझे रास्ते को फिर से... कैप्टन, हमारे पास बहुत कम एंटी मैटर बचा है और अब वापस लौटना बहुत मुश्किल है। हम कुछ भी कर लें घर वापस नहीं लौट सकते। तुम्हें पक्का यकीन है? 100%। पेगासस, जो मैंने कहा उसकी पुष्टि करो। आप सही हैं पीट, वहाँ इतना एंटी मैटर नहीं है कि पृथ्वी के सौरमंडल में वापस जाया जा सके। अच्छा होगा कि आप सबको ये बात बता दें। नहीं नहीं नहीं, ये शिप उम्मीद पर ही तो चल रही है। मैं ये बात बताकर उनकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कैप्टन, स्क्रूज की कमी से ज्यादा मेरी उम्मीद कम होती जा रही है। कैप्टन, हमें यूटा से एक संदेश मिला है जिसमें कोडित भाषा में लिखा है केवल कैप्टन के लिए। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं चाहता हूँ ये बात हमारे बीच ही रहे। ठीक है जी। सावधान, एडवर्ड खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि डिनर तैयार है, आप सभी हॉल में आ जाएं। उम्मीद है आपको डिनर पसंद आएगा। तुम ये बात जान लो और हमेशा याद रखना, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिशन पूरा करो, ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर है। तुम अपना ख्याल रखना। संदेश खत्म हुआ। ये तो ये लो। ओके, जरा ये देखो। ये लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है ना? ये क्या चीज है? इसे कौन खाएगा? यहाँ तो काफी है। देखो, खाना अभी तक सबने नहीं लिया है। क्या मुझे थोड़ा और दे सकते हो? आगे बढ़ो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। और क्या चल रहा है? इसके खाने से बीमार तो होना ही है। ये जरूर हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लोग रोज सुबह ऐसा क्यों करते हो? मेरा यकीन मानिए, इससे बहस करने से ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। खाना कैसा है माइक? अच्छा है। अरे वाह, आज मैं थोड़ा कम ही बनाया करो। पेपरकॉर्न सॉस के साथ प्लीज, और साथ में वाइन भी। वाइन की लिस्ट कहाँ है एडवर्ड? आज का खाना अच्छा बना। वाइन क्यों? वाइन बहुत अच्छा गया है, मजा आ गया। तुम्हारा मन नहीं करता क्या? बहुत अच्छा है, मुझे और खाने का मन हो रहा है। बहुत अच्छा है। ये लो। वो वाह, ये कमाल का बना एडवर्ड। डिकिन्स को तुम पर गर्व होगा। मैं तुम्हारा नंबर आने तक इंतजार नहीं कर सकता। कभी मैं बनाऊं? मैं जरूर देखना चाहूंगा कि जो चीजें मुझे मिली उनसे तुम क्या बना सकते हो। पता है, मैं खुश होकर तुम्हारी शेफ ले सकती हूँ पीट, अगर तुम मेरा शावर है ठीक कर दो तो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसे माउंटिंग से हटाना है और पानी के दबाव को टेस्ट करना है। तुम शावर क्यों लेती हो? मुझे कैसे भी करके टाइम पास करना है। सुनो, जैसा कि तुम सब जानते हो, हमें कुछ मरम्मत के काम के लिए थोड़ी देर के लिए इंजन को बंद करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, 7 सालों से इंजन एक शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट पर चल रहे हैं। फिर शुरू हो गया। हम इंजन चलाते नहीं है, हम उसे दौड़ाते हैं। जेन बिल्कुल सही कह रही है। ये शिप उन दूरियों के लिए नहीं बनी जिन्हें हम तय कर रहे हैं। वाकई? या तो आराम या प्राइवेसी या ठीक सी साफ सफाई या फिर एक अच्छा वर्कआउट का प्रोग्राम। नहीं, हम अगले हफ्ते एक पूल इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं तो कब से इस बारे में सोच रही थी। हाँ, पायलट की सीट को ठीक करना है, उससे बहुत आवाज आती है। शांत हो जाओ सब। मुझे लगता है कैप्टन आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? कैप्टन, हमें यूटा से स्टेटस रिपोर्ट मिली है। जैसा कि तुम सब जानते हो, वो शिप हमसे काफी नजदीक है जो सेक्टर 349G की तरफ निकली है। उन्हें उस ग्रह पर जीवन नहीं मिला, इसलिए वो अपनी सारी शिप्स लेकर लौट रहे हैं। क्या बात? हाँ बिल्कुल। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हमें अभी भी अपना मिशन पूरा करना है। हाँ, 7 साल बेकार कर दिए, वापस लौटने में 14 साल लग जाएंगे। सबको पता था कि ये बातें किस्मत से जुड़ी हैं। कुछ लोगों ने हमसे ज्यादा दूरी तय की है। कितनों ने सिर्फ 1 साल की यात्रा की जिसमें उन्हें अपनी फ्लीट की रेंज से भी बाहर नहीं जाना पड़ा। काश कि मैं उनमें से किसी शिप पर होता, ना कि इस बकवास शिप पर। ये तो हम सबको अच्छा लगता है। मिशन जितना लंबा होता है, गड़बड़ी होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं और वापस लौट पाने की बहुत कम। ये बात सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हम एक पुरानी शिप में भी ठीक ही है ना? मैं जानता हूँ। उसे ये सुनकर कैसा लग रहा होगा जो 7 साल पहले अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। ऐसा करने से उसकी जिंदगी 7 साल और बढ़ गई है। कैसी जिंदगी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं और हम जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सारी अच्छाई बहुत जल्दी खाक में मिलने वाली है। क्या क्या तुम्हारे पास क्या? सुनो, जब तक हमारे पास एक भी मिशन है, हमारे पास उम्मीद है। ऐसा मत सोचो कि वो ग्रह सही नहीं होगा, हो सकता है उस पर जीवन संभव हो। एडवर्ड, तुम्हारे स्कैन से मिली जानकारी भी तो यही कह रही है ना? हाँ, अभी तक तो। जरा थोड़ा विस्तार में बताओगे? हाँ, जरा तुम खुलकर बताओगे। देखो, दूर से किए गए स्कैन से यह पता चला है कि जीवन संभव है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ज्यादा जानकारी के लिए प्रोब भेजना पड़ेगा। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से ना ही हमारी और ना ही कोई और शिप कामयाब होती दिखाई दे रही है। वैसे क्या फर्क पड़ता है? हम अपना खाना उगा सकते हैं, पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, हम अपनी शिप को घुमाकर वापस घर जा सकते हैं। और बस सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ काम पर जब तक कि सारा ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाता। मैं अभी जाकर उन्हें ठीक कर रहा हूँ एडवर्ड। कुछ समझ नहीं और फिर हम धीरे धीरे मौत की आगोश में जाकर सो जाएंगे। ये इसी तरह दिलासा देते हैं। इसका तरीका तो यही है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हालात और बदतर हो सकते हैं। और मैं कह रही हूँ गलत ही सोचते रहिए, हमें और भी काम करने हैं। इस वक्त आपका काम ज्यादा अहमियत रखता है। जेन की बात में दम तो है। वहाँ पहुँचते ही दूरियाँ नापने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और तुम ये काम जानते हो। आखिर तुम उतने भी बेकार नहीं हो। बकवास बंद कर। क्या मैं दोबारा खाना ले सकता हूँ? अच्छा होगा मैं अपने डेक पर लौट जाऊँ। पेगासस बोर हो रही होगी। मैं जाता हूँ। तुम और कुछ नहीं खाओगे? नहीं, मजाक कर रहा था। मेरा पेट भर गया है। दोस्तों हम बस पहुँच चुके हैं। जानती हो मैं अक्सर यूटा के बारे में सोचती हूँ और उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कुछ के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके साथ नहीं हुआ होगा जो कि रहने लायक दुनिया की तलाश में थे। किसी को कुछ मिला था पर वो 7 साल पहले था। पता नहीं कितने लोग उस नई दुनिया की तलाश में निकले हैं। हेली, क्या हुआ बेटा? क्या मैं पीट के साथ आज रात मूवी देख सकती हूँ? आज रात नहीं, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है तो मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम ठीक से सो जाओ। समझ गई तुम? जेरी की नींद खराब हुई तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये बात जान लो और हमेशा याद रखना, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिशन पूरा करो, मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मानवता का भविष्य इसी पर निर्भर है। तुम अपना ख्याल रखना। संदेश खत्म हुआ। क्या आप दोबारा देखना चाहेंगे? तुमने ब्रश कर लिया? कर लो, क्योंकि मुझे बार बार तुम्हारे दांत साफ करना अच्छा नहीं लगता। ब्रश नहीं करोगी तो दांत खराब हो जाएंगे। पीट ने कहा वो सिर्फ आप पर भरोसा करता है। उसने कहा नर्स होते हुए भी आप दांतों के डॉक्टर से अच्छी हैं। उन्होंने कहा ऐसा? वो हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे जहाज में बेकार की दवाइयाँ देने का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे हो? बिजी हो क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये ऑटो पायलट पर है। वाह, जेन ने रूट ऐसा सेट किया है कि कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब वाह, ये खास किस्म का आलस है। लेकिन ये देख कर कि तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो चलो देखते हैं नाइट ऑफ द लिविंग। बार बार वही फिल्म क्यों देखते? अरे यार, ये बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें पसंद आएगी। एक बार तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। पर तुम सो नहीं सकते पीट। अगर मैं नहीं सो सकता तुम भी नहीं सो सकते। पॉपकॉर्न तो होना चाहिए ना। हम लोग उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं। मैं तो सो ही जाऊंगा। मॉम डैड कैसे थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। तो मुझे क्यों छोड़ा? नहीं बेटा, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें बचाया। बस वो खुद को नहीं बचा पाए। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और पृथ्वी पर हालात बहुत बुरे थे। कुछ लोग पीछे छूट गए जो नहीं होना चाहिए था। जगह काफी कम थी। क्या वो मर गए? मुझे नहीं पता बेटा, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो भी एक नई दुनिया की तलाश में थे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें पहले की तरह गोद में उठा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। जानती हो, मैं तुम्हारे लिए नया घर ढूंढूंगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे, तुम और मैं। गुड नाइट हेली। गुड नाइट बेटा, अब सो जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए? वो ठीक तो है ना? अपने मॉम डैड के बारे में पूछ रही थी। तुमने क्या कहा? यही कि वो उससे प्यार करते थे और वो चाहते थे कि वो यहाँ रहे। एक दिन तुम्हें बताना पड़ेगा वाकई क्या हुआ था। जानती हूं, पर आज नहीं। वो बहुत छोटी है। मुझे लगा यूटा पर जीवन हो सकता था। मेरा मतलब हम में से कोई एक हो सकता था। ये हमारे पास एक अच्छा मौका था। काफी के पास तो वो भी नहीं होता। सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करो, बाकी चीजों के बारे में सोचना बेकार है। कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा। जो ढूंढेगा वो हमेशा याद रखा जाएगा, जैसे वो पहला इंसान जिसने चांद या मंगल पर कदम रखा था। कोई भी उनके नाम नहीं भूलता और कोई भी उनके नाम नहीं भूलेगा जो एक नई दुनिया की तलाश करने में कामयाब होंगे। वो हमेशा याद रखे जाएंगे। तुम्हारा मतलब जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम? हाँ, अगर मुझे पता होता कि मैं ही नई दुनिया पर पहला कदम रखूंगी तो मैं उस जगह को ऊंचे दाम पर बेचती। मजाक कर रही हूँ। नहीं, एक जिंगल बनाओ, उसकी थोड़ी सी ऐड करो और लोग उसे याद रखेंगे। मैं अमीर बन जाऊंगी, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। मुझे यकीन है एडवर्टाइजिंग वाला कोई भी जिंदा नहीं होगा। तुम्हें शायद और मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी? हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि उनके शब्द उनके दिमाग में आए थे, न कि पहले से लिखे गए थे। उनके मिशन के बाद नासा ने बहुत से भाषण पहले से लिखे थे, जैसे जेम्स चर्च वाला भाषण जो उन्होंने पहली बार मंगल में घूमने के बारे में दिया था। मेरी लाइब्रेरी में कुछ ऐसे भाषण हैं जिन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मैं उनमें से कुछ तुम्हें भेज सकती हूँ। मैं पीट के बारे में आजकल काफी सोच रही हूँ। क्या उसे ये पता है? नहीं, और ना ही मैंने उसे बताया। शायद वो मना ना करे। हाँ, वो एक आदमी है। मैं बस किसी की बाहों में होने के एहसास को मिस करती हूँ। पीठ ही क्यों, क्या वो तुम्हें पसंद है? बस मुझे देखने में वो बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों का करीब आना ठीक ही लगता है। तुम लाला के पेरेंट्स के भी करीब हो। तुम तो सीरियस हो गई जेन। मैं मजाक कर रही थी। तुम सब भूल जाओ। सही है। पहले उसे ऑक्सी यूनिट तो ठीक करने दो, नहीं तो तुम उसे किसी और काम में बिजी कर दोगी। मुझे ये हिस्सा पसंद है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। लाइला कहाँ है? वो अभी तक सोई है। जेरी? उसे हैंगओवर है। अच्छा सुनो, तो दोस्तों कल हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचते ही हम प्रोब लॉन्च करेंगे। एडवर्ड, कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमारे लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली है कि वातावरण हमारे लिए सही होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और दूसरी बात यह कि पानी होना चाहिए या फिर बर्फ, ये दोनों बातें जरूरी हैं। और अगर हमें वहां साथ में पेड़ पौधे और जीवन मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। और जानवरों का क्या? वहाँ एलियंस भी मौजूद हो सकते हैं क्या? थोड़ी बहुत मुर्गियां भी होंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, मेरे हिसाब से हमें वहां जो भी जीव मिलेंगे वो खतरनाक होंगे। जब प्रोब लॉन्च होगा तब हमें लगातार रीडिंग्स लेते रहना होगा जब तक हमें कुछ पक्के तौर पर पता ना चल जाए। देखो दोस्तों, अगर हमें वहां जीवन मिलता है तो वहां अपनी फ्लीट को उतारने से पहले हम सिग्नल भेजेंगे। और अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आए तो? अगर ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और सब खत्म? क्या यही प्लान है? प्लान तो यही है दोस्तों, हमें अलर्ट रहना होगा। हम पहुंचने ही वाले हैं, तो सब तैयार रहना। जरा मुझे दिखाओ। ये ठीक नहीं है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बीमारी से कुछ लेना देना है। मुझे हमेशा यही लगता रहता है कि मेरी मौत इस शिप में ही होगी। कुछ भी तय नहीं है जेरी। मैं तो ये भी नहीं समझता कि मानव जाति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। हम बार बार वही गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो आप फिर नहीं करेंगे? चाइनीज पर भरोसा करने की। मजाक कर रहे हो? मेरे चेहरे से तुम्हें ऐसा लगा? तुम्हारी अब उम्र हो गई है जेरी। अब छोड़ो भी वो सब। और मैंने तो सोचा था कि तुम मानव जाति के आखिरी इंसान हो, बेघर, बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकती। देखो जेरी, रुको। नहीं, छोड़ो वो सब। मेरा ये दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नहीं रुको, मैं दर्द कम करने के लिए तुम्हें कोई दवा देती हूँ। मेरे पास एक खास दवा है और ये दवा बहुत स्ट्रांग है। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। पेगासस, मेरे अलावा इस कंट्रोल सब्सटेंस लॉकर को कौन खोल सकता है? लॉकर को सिर्फ तुम और कैप्टन ही खोल सकते हैं। तुमने इसे 14 घंटों पहले खोला था। मुझे माफ करना, इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया। देखो जेरी, अगर तुम्हें तकलीफ थी तो तुम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हें दवा दे देती। मैंने दवा बस इसलिए ली थी ताकि मेरा दर्द थोड़ा कम हो सके। दवा की ज्यादा डोज जान तक ले सकती है। उस आदमी का क्या बिगाड़ लेगी जो वैसे भी मरने ही वाला है? उससे फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो मुझे किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता। देखो जेरी। अच्छा ठीक है, अब सुनो, मेरा विश्वास करो, मेरा खुद को मारने का कोई इरादा नहीं है। वो तुम्हें लेने आ रहे हैं बाबरा। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वही घीसी पिटी पुरानी बात। क्या तुम नशे में हो? ये बताओ कभी तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं देखते? हाँ, ये बोतल मिली कहाँ से? हमसे छिपा कर रखी थी क्या? मैंने साल भर से अच्छी ड्रिंक नहीं पी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की। मैं तो बस चाहता हूँ तुम लोग जल्दी मर जाओ और मुझे शांति मिले। तुम हमेशा बुरा क्यों सोचते हो? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो इस बकवास को देखने में। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मायूस हो तो तुम चाहते हो कि हम भी हो जाएं? मैं अभी तुम्हारा खून कर सकता हूं, क्या तुम यही चाहते हो? कोशिश कर लो। मार दो मुझे और फिर उसके बाद प्रोब से आए डेटा को खुद समझ लेना। एक बात समझ लोगे, शिप पर मुझसे ज्यादा जरूरी इंसान और कोई नहीं है। मैं दिखाता हूँ तुम कितने जरूरी हो। सावधान कोड ऑरेंज, सावधान कोड ऑरेंज, सावधान कोड ऑरेंज। ये नामुमकिन है। अब क्या हो गया? हम बहुत दूर आ गए। आखिर बात क्या है? कैप्टन, आपको ब्रिज में आना होगा। रिपीट करता हूँ, कैप्टन ब्रिज में आइए। कोड ऑरेंज, कोड ऑरेंज। फिर से बोलो माइक, क्या तुमने कोड ऑरेंज कहा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कैप्टन। स्कैन्स में दिख रहा है वो हमारी रेंज में है। ऐसा लगता है कि वो स्थिर है। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, मुझे दिख रही है। सब लोग रुक जाओ, मुझे फौरन डेक पे मिलो। बात क्या है? क्या हम मरने वाले हैं? यहाँ कहीं आग लग गई है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, कोई प्रेग्नेंट है। वैसे बात क्या है? कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? कोड ऑरेंज घोषित हुआ है। अरे मुझे ये तो बताओ कि आखिर कोड ऑरेंज है क्या? मतलब हमें एक शिप दिखी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। मुझे तो अभी भी नहीं हो रहा है। यकीन कीजिए सर, ये असली है। पेगासस, इनकी कोई पहचान मिली? उस जहाज के सिग्नल ट्रांसपोंडर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। वो एक स्टैंडर्ड PT-32 डिजाइन है। हमारी ही तरह स्काउट शिप्स में ये किस्म काफी आम है, पर क्या ये शिप हम लोगों की है? सिर्फ एक शिप यूटा ही हमारे नजदीक थी। ये हमारे फ्लीट की नहीं लगती है। पेगासस टेलीस्कोप, कोऑर्डिनेट्स 87, वेक्टर 12 ए। बड़ा करके दिखाओ विस्तार से। ओ बढ़िया, तो ये एक चाइनीज शिप है। पर ये यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने भी वही स्कैन्स भेजे हैं जो हमने भेजे थे। हो सकता है हमसे कुछ महीने पहले लॉन्च किया हो। पर सवाल यह है कि रुके क्यों है? रुकने का कोई मतलब नहीं है, इन्हें चले जाना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने एक प्रोब भेजा हो और उसकी खबर अच्छी ना हो तो मिशन को बस रोक दिया। या हो सकता है मरम्मत कर रहे हो। सकता है कि वो मर गए हों। हमें ये अटकलें लगाना बंद कर देना चाहिए जब तक और जानकारी न मिल जाए। फिलहाल तो हमारे सामने एक शिप है और जब हम घूमकर पास पहुंचेंगे तभी उसे ठीक से देख पाएंगे। एडवर्ड बोलिए। सबको जगाने का वक्त आ गया है। अगर उन्होंने हमला किया तो? हाँ, वो भी एक संभावना है। हम मंजिल के बहुत नजदीक है, हम रुक नहीं सकते। उस शिप में ऐसा सामान हो सकता है जो हमारे काम आएगा। उनसे हमारी जिंदगी 100 गुना बेहतर हो सकती है, सोचो। बिल्कुल, और उनके पास वो दवाइयाँ हो सकती है जिनकी हमें सख्त जरूरत है। कैप्टन, उस शिप के लोगों के साथ जो कुछ भी हो वो हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। या हो सकता है उस शिप से मिली जानकारी हमारी मदद कर सके। थोड़ा भी अकल से काम लोगे तो तुम कभी भी उस शिप पर नहीं जाओगे। पर अगर उन्हें मदद चाहिए हो तो? भूल जाओ, अपना मिशन पूरा करते हैं, फिर वापस आकर उस शिप में जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये तो एकदम पक्का है। नई दुनिया तो एकदम पास ही है, जबकि हमने तो प्रोब भी नहीं भेजा तो पता कैसे चल गया? तुमने कोई सपना देखा था? हम घर वापस नहीं जा सकते। क्या क्या कहा? प्लाज्मा ओवरलोड ने पिछले हफ्ते 12 क्यूबिक्स एंटी मैटर जला दिया था। हम रिजर्व इस्तेमाल करेंगे। पीठ रिजर्व खत्म हो चुका है। अरे क्या? सुनो, हमें वापस लौटने के लिए एंटी मैटर चाहिए होगा। हो सकता है हमें वो शिप से बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? लोगों की राय नहीं मांग रहा। हम उस शिप पर जा रहे हैं और हम या तो उनकी मदद करेंगे या खुद अपनी। उनके कंप्यूटर से मिली जानकारी हमारे लिए अहम हो सकती है। हमें यह करना ही होगा और कोई चारा नहीं है दोस्तों। कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं उनके एआई सिस्टम से तालमेल नहीं बैठा पा रही। हो सकता है वो ऑफलाइन हो। हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे हम सीधे ब्रिज के कंप्यूटर वाले एरिया में जाएंगे और लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग में जाएंगे ये जानने के लिए कि उनके पास ईंधन बचा है या नहीं। सब समझ गए? समझ गए। गुड लक बॉयज। जॉन टू जेन, एयरलॉक बंद करो। हम शिप पर पहुंच चुके हैं। हैच बंद करो। मुझे ठीक नहीं लग रहा। सारे लोग कहाँ हैं? हमें कम से कम कुछ लाशें तो मिलनी चाहिए थी ना। सब साथ में रहो दोस्तों। पीठ, जाओ और चेक करो। जी सर। बाद में ब्रिज पर हमें मिलो। कुछ नहीं, बस सड़ा हुआ खाना पड़ा है यहाँ कैप्टन। क्या कुछ लिखा हुआ है? पढ़कर बताओ। बताता हूँ। ये सब चीनी भाषा में है। मुझे लगता है कि उनके सिस्टम में वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे कि हमारे। तो उससे ये मालूम चलता है कि वायुमंडल का दबाव अच्छा है। वातावरण थोड़ा गर्म है लेकिन ऑक्सीजन है। हम लोग सांस ले सकते हैं। तो हम ये मास्क निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले तुम निकालो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इंजन की पावर को फिर से शुरू किया जाए ताकि हमें कंप्यूटर वापस ऑनलाइन मिल सके। ठीक है। देखा, ये सब काम कर रहा है। ठीक है, मैं उनके लॉग्स एक्सेस करके देखता हूं, शायद कुछ पता चले। हो सकता है इससे मदद मिले। इंजीनियरिंग रूम में जाकर देखो कुछ काम की चीजें हैं। माइक, पता लगाओ ये शिप यहाँ कैसे और कब आई और ये यहाँ कितने समय से है। तुम्हारी चाइनीज कैसी है? बहुत सालों से प्रैक्टिस नहीं की है। अच्छा, मैंने भी नहीं की। वैसे शिप तो बिल्कुल वैसी है जैसी हमारी है। पुर्जे ताइवान के हैं। हेली चाइनीज जानती है, वो हमें बताएगी इसमें क्या लिखा है, पर उससे पहले हमें लॉक्स चाहिए। कोई नहीं बचा, जीवन का कोई नामो निशान नहीं। क्या यही हुआ था उसके साथ? शायद मुझे कुछ मिला है। बस इतना ही? ये आखिरी है, लेकिन लगता है ये बिल्कुल तनाव में नहीं है, पर फिक्रमंद जरूर है। शायद यहां जो भी हुआ उन्हें उसके बारे में पता नहीं था। उन लॉक्स का क्या हुआ? तुम्हें मिले? मिले तो हैं, पर सारे चाइनीज भाषा में। मुझे उन सबको एक एक करके देखना होगा। ठीक है, उन्हें पेगासस में अपलोड करो ताकि हेली अपना काम शुरू कर दे। अभी करता हूं। ठीक है। क्या हुआ? कोई और भी इस शिप पर है। क्या कोई और भी है इस शिप पर? कौन? मुझे नहीं पता कौन, पर मैं अपने जमाने में बहुत सी डरावनी फिल्में देख चुका हूं और जानता हूं कि उस जोर की आवाज की ओर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा था मैं पीछे जाऊंगा, अपने दोस्तों को पकड़ूंगा और सब साथ में जाएंगे, उसे देखेंगे। मैं अंदर के सेंसर चेक करता हूं। कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमें यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह अच्छी तरह छान मारो। सब साथ में रहना। चलो। जेन, पीट ने ड्रैगन के सारे यूनिट्स को ऑन कर दिया है। मैं अब उसके संपर्क में हूँ। हेली, माइक ने कुछ फाइल्स आपको अनुवाद के लिए भेजी हैं। ड्रैगन के कुछ सिस्टम्स अभी भी ऑफलाइन हैं, अंदर के सेंसर्स भी। कैप्टन ने अभी अभी आदेश दिया है कि जहाज के रेडियो को बंद कर दिया जाए। उनके बोर्ड में कोड 7 की स्थिति है। माइक, पीछे नजर रखना। समझ गया कैप्टन। मुझे लगा था हमने पूरी शिप जांच ली है। जाहिर है हमने ये नहीं किया। तुम्हें पक्का यकीन है तुमने किसी को देखा? हाँ, पूरा यकीन है। मैंने तुम्हें इतना तेज भागते हुए कभी नहीं देखा था, पीट। अच्छा, तो एक काम करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद आगे जाकर क्यों नहीं देखते? तुम्हें पक्का यकीन है? मैंने ठीक से नहीं देखा, समझे, लेकिन वो कुछ ऐसा था जैसे कोई पागल वहशी हो, लगभग 6 फीट लंबा या फिर वैसा ही कुछ। 6 फीट? वो इंजीनियरिंग रूम में है, पीट। ये इंजीनियरिंग रूम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने देखा है, वो यहीं अंदर है। हाँ, तुम पहले जाओगे? पहले तुम जाओ। हाँ, ठीक है। वो ये तो सिर्फ एक बच्चा है। पीट ने 6 फीट लंबा राक्षस बताया था। इसने तुम्हें गिराया है ना? मैं फिसल गया था। अच्छा, फिसल गए थे। उम्मीद है ये हमें कुछ बता सके। हाँ ठीक है। चलो फीट। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्या यही तुम्हारा बैकअप है? वो मेरा फर्ज था आप लोगों को सावधान करने के लिए। सुनिए कैप्टन। हाँ, मैं और माइक सोच रहे थे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो आप इस शिप की कमांड किसको देते? मतलब ऐसे हालत में अगर आपको कुछ हो जाए तो। फीट को ताज्जुब हो रहा था कैप्टन, मैं तो इसका जवाब जानता। मेरा कहने का मतलब था कि मैंने ऐसा सोचा था कि अगर आप, मेरा मतलब अगर आपको कुछ। ये उस पर निर्भर करेगा कि कौन कैसा दिखता है। ब्रिज कम इन। बताइए कैप्टन क्या बात है? हमें यहाँ एक छोटा सा बच्चा मिला है। हाँ जेन, लेकिन एयरलॉक काम नहीं कर रहा है। क्या तुम अपनी ओर से उसे खोल सकती हो? हमारी ओर से तो कोई समस्या नहीं है। पेगासस एयरलॉक खोल दो। बाहरी एयरलॉक बंद कर दिया गया है, उसे खुद ही खोलना होगा। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये क्या कह रहे हो? कैप्टन मैंने उसे लॉक किया है, और वो इसलिए ताकि उस शिप में से कोई भी पेगासस में घुस ना पाए। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमें और एक बच्चा। हमें अंदर आने दो। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। मैं नहीं चाहता कि उस शिप पर जो कुछ हुआ है वो पेगासस पर हो। आप सबको वहीं रुकना होगा जब तक कि पता न चल जाए कि हो क्या रहा है। दरवाजे को खोलो एडवर्ड। एडवर्ड यहाँ सिर्फ हम हैं, कोई जोखिम नहीं है। दरवाजा खोलो, ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है। कैप्टन आपकी और माइक की गैर मौजूदगी में मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोगों को तो हेलमेट भी नहीं उतारना चाहिए था। हमें नहीं मालूम कि उस शिप पर हुआ क्या था। हो सकता कि वो बीमार हो। आप लोगों ने तो पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया है। आप लोग। मुझे लगा था ये कभी चुप नहीं होगा। बस एडवर्ड को थोड़ा शांत कर रही थी, बाकी सब ठीक है। हेली, मैं मैनुअली फिर से कमांड दे रही हूँ। एयरलॉक खुल चुका है। दिखने पर निर्भर करेगा। तुमने सुना वो? हाँ, उसका मतलब है कि मैं। तुम सोचते रहो बस। तुमने ऐसा करके हमारी जिंदगी खतरे में डाल दी है। उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुम्हें पता है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी। जरा सोचो तो, वो एक छोटा सा बच्चा है। अगर उसकी जगह लायला होती तो। वो अलग बात है। और वो कैसे? लायला हमारी दुश्मन नहीं है, उसके लोग हैं। इसी सोच की वजह से आज हम इस हालत में हैं। अब चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, हम यहाँ हैं। इसके लोग भी वही चीज चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और अब ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये लोग भी हमारे साथ वहीं पर अपना झंडा गाड़ देंगे। हेली, इसके बारे में क्या बता सकती हो? ये लगभग 4 से 6 साल के बीच का है। कुपोषण का शिकार है और काफी कमजोर है। जो भी उस शिप में हुआ उससे बुरी तरह घबराया हुआ है। इसे शांत करने के लिए हमने इसे बेहोशी की दवा दी है। इसके होश में आते ही मैं बात करूंगा। कैप्टन, ड्रैगन से पीट आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, बात कराओ। कैप्टन मैंने यहाँ की एंटी मैटर सप्लाई चेक किया, अब जो मुश्किल से थोड़ी सी बची है। उतने में हम घर नहीं पहुँच सकते। तुम्हें यकीन है? 100%। 2 बार चेक किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने घर लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचाया था। समझ गया। मैं माइक को वहाँ भेज रहा हूँ। हर चीज का पता लगाओ जो अभी तक हमें पता नहीं चली। काम होते ही हम निकल जाएंगे। समझ गया। अब तुम खुश हो? मिल गया ना खजाना तुम्हें। तुम यकीन करोगे कितनी बढ़िया चीजें थी उनके पास। तुमने बाकी सारी चीजें चेक कर ली थी ना? हाँ, मैंने उन्हें कई बार चेक किया था। देखो इस बात को तो मान लो दोस्त कि वो एक ही ओर की ट्रिप करने आए थे। क्या वो ऐसा कुछ जानते थे जो हम नहीं जानते? हाँ, ग्रह तक पहुंचो, उसको हथियाओ इससे पहले कोई और हथिया ले। सही कहा, चलो यहाँ से बाहर निकल। हाँ, आइडिया अच्छा है दोस्त, क्योंकि मैंने अभी अभी सारे आइसोटोप गार्ड्स हटा दिए हैं। अलार्म बजने लगा है। अब क्या होगा? होगा ये कि कुछ ही मिनटों में यहाँ शिप नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वापस बोट पर मिलता हूँ, तुम यही रहो थोड़ी देर। ए सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे लगता है आखिर में उसने मुझे ही कैप्टन बना दिया होता। नहीं, उसने कर दिया होता। तुम तो दरवाजा भी नहीं खोल पा रहे थे। ऐसा हुआ क्योंकि मैं तुम्हें करने दे रहा था, जैसे ऑडिशन में एक रोल के लिए होता। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। अरे क्या मैंने अपना पैड पीछे छोड़ दिया? ये रखो। भूल जाओ, वक्त कम है। तुमने ही कहा था ना ये शिप फटने वाली। हमारे पास 10 मिनट है। तुम्हें ब्रिज में मिलता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मैं बस आता हूँ। Women पी टू ब्रिज। आगे बढ़ो पीट। चेन एयरलॉक फिर से बंद हो गया। तुम अभी वही हो पीट? हाँ, और अब मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहता हूँ। किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की एडवर्ड। वो तो अभी भी बाहर मैडी बे में है। पेगासस एयरलॉक को बंद करने का आदेश किसने दिया? ट्रेन ड्रैगन ने खुद ही बंद किया है। सावधान, हल ब्रीच, आपातकालीन एयरलॉक कंटेनमेंट प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। आवाज कैसी थी? एयरलॉक में विस्फोट हुआ है। क्या सब ठीक है? अंदर का दरवाजा बंद है और वैसे का वैसा है। बाहर का दरवाजा टूट चुका है। पीट अभी वही है। पीट अब तक वहाँ क्या कर रहा है? वो वहाँ कुछ भूल गया था, उसे लेने गया और फंस गया। इंजन के खराब होने में अभी और कितना वक्त है? लगभग 7 मिनट। ओके पीट, मेरी बात सुनो, तुम एक स्पेस सूट पहन लो, फिर तुम स्पेस वॉक करके यहाँ आ सकते हो। हम सभी स्पेस सूट्स और हेलमेट्स औरों के लिए पेगासस पर ही छोड़कर आ गए थे। ठीक है पीट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम शिप तुम्हारे पास लाते हैं, तुम एयरलॉक वाला दरवाजा खोलो। धमाका तुम्हें हमारी तरफ फेंक देगा। तुम स्पेस सूट के बिना भी कुछ समय तक जिंदा रह सकते हो। जब वो यहाँ आएगा हम उसे अंदर कैसे लेंगे? बाहर का दरवाजा टूट चुका है। अगर अंदर का दरवाजा खोलेंगे तो शिप का पूरा प्रेशर खो देंगे। हम सब कुछ बंद कर देंगे। उसमें ज्यादा वक्त लगेगा, हमें इसे मैन्युअली करना होगा। बाहर निकलते ही वो धमाके से वापस आ जाएगा पीट। हाँ, अब तुम जल्दी से एस्केप पॉड पर जाओ, हम तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, मिलता हूँ। माइक बोलिए। जल्दी जाओ, एडवर्ड को चेक करो, वो बेहोश पड़ा होगा। हेली से कहना बच्चे के साथ ही रहे। जेन, हमें यहाँ से दूर ले चलो। माइक, हथियार ले आना। समझ गया सर। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ करो। सावधान, ड्रैगन का एंटी मैटर चेम्बर खराब हो चुका है। सावधान, पेगासस पहले से बताए गए ब्लास्ट के दायरे में है। अभी भी पॉड लॉन्च नहीं हुआ। करो बीट, ये कर क्या रहा है? पीट, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। सुनो, ऑक्सीजनरेशन यूनिट्स का हर 3 या 4 हफ्तों में प्रेशर रिलीज करते रहना, नहीं तो वो वॉल उड़ जाएगा। और हमारे पास अब कुछ ही वॉल्व्स बचे हैं, और अगर वॉल्व्स की जरूरत पड़े तो वो मेरे कमरे के मरम्मत वाले कैबिनेट में मिल जाएंगे। पीट सुनो, क्योंकि तुम लोगों को कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो मेडी बे में लगी हुई आपातकालीन बैटरीज इस समय असल में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को चला रही है। तो अगर आप लोगों को मेडी बे की जरूरत पड़ी, किसी के अपेंडिक्स के लिए या किसी वैसी चीज के लिए, आप लोगों को खुद ही उसे बदलना पड़ेगा। हमें तुम पर फक्र है पीट, और मुझे भी। सुनो पीट, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अरे चुप रहो, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों? पीट, हे बदमाश, पीट हमारे पास वापस आ जाओ। मैं चाहता तो हूं लेकिन आ नहीं सकता। एक एक्सीडेंट हो गया मेरा और मैं यहाँ फंस गया। पर सुनो, मुझे आपसे मिलना है। सब ठीक होने वाला है क्योंकि हेली है। क्या होने वाला है? अच्छा, 1 मिनट के अंदर मैं मरने वाला हूँ। पर सुनो, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस 1 मिनट में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि क्योंकि तुम समुद्र देखने जाओगे और मैंने तुम्हारी मदद की। उदास मत होना बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक सीक्रेट अपने पास रखो। क्या तुम वो करोगे? ठीक है, ठीक है, आओ एकदम नजदीक आओ, मॉनिटर के एकदम नजदीक। तुम हेली को यह बताना कि मैंने उसे सारी बातें नहीं बताई जो मैंने उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। ठीक है, मेरे पास समय नहीं बचा है, तुम समझ रही हो ना? उदास मत हो बेटा, सब ठीक होने जा रहा है। मैं तुम्हें मैंने तुम्हें क्या कहा था कैप्टन? मैंने तुम्हें कहा था कि चीनी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी नहीं कह सकता था कि ऐसा होगा। ये जानकर खुशी हुई कि तुम ऐसा सोचते हो, क्योंकि हमने अभी अभी वो अकेला इंसान खो दिया जो इस शिप को चलाए रख सकता था। खुशकिस्मती से अब हम कंप्यूटर के भरोसे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब ये शिप अब और कितने दिनों तक चलती रह सकती है। चलो बेटा। माइक, सूट चेंज कर लो। जेन, वापस हमें कोर्स पर लेकर आओ। तुम ठीक हो? समझ में आया? इसलिए मेरी है। टोकने के लिए माफी चाहता हूँ लेडीज, लेकिन ये शिप जिसको लेकर आप लड़ रहे हैं ये दरअसल मेरी है कैप्टन, इसलिए शांत हो जाइए। तो ये शिप किसकी है? जॉन की शिप है। बहुत अच्छे, अब बताओ इस काम में कितना समय लगेगा? बस एक नया वॉल्व लगाना है। तुमने सुना ना, जितनी जल्दी हो सके। इंजन से 1 घंटे से पहले शुरू हो जाने चाहिए। धूल का बड़ा गुब्बारा इस ओर आ रहा है, उसके पहुँचने से पहले इसे ठीक करो। समझ गया, हम काम जल्दी निपटा लेंगे। क्या कह रहे थे? पहले देख लूं कि वो सुन तो नहीं रहे हैं कैप्टन। ठीक है, हम कहाँ थे? ये शिप माइक मेरी है, क्योंकि मैं ही हूँ जो हर समय इसे टुकड़े टुकड़े होकर गिरने से बचा रहा हूँ। किसी ने कहा है कि माइक हमें तारों के बहुत नजदीक ले जाता है, या उल्का पिंड की कतारों के बीच में से, या ब्लैक होल के अंदर। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम तो मेरी जान लेना चाहती थी। उन्हें शिप पर आने नहीं देना चाहिए था। मैं तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहा था। चुका है। क्या क्या कहा? आखिर ऐसा हुआ कैसे? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ। क्या तुम हिंदी बोलते हो? कैप्टन को बुलाओ। वॉच आओ हेली। वॉच आओ हेली। मेडिकल बे। सिक्योरिटी ओमैन। मेडिकल बे। अबानियो। सिक्योरिटी ब्रीच। मेडिकल बे। ओमैन अबानियो। नी मेसियो। सब ठीक है। चुकाए 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 चुकाए। ओ मैन, अबानियो, ओ मैन, Sanghui, Sanghai, Ni. Human, Uhui, Sanghai. पता करो इसकी शिप में क्या हुआ था और हर वक्त इस पर नजर रखना। इस पर भी। वो मर चुकी है। तो क्या तुम मेरा भ्रम नहीं हो? भ्रम? तुम तो मेरी असलियत जानते हो ना। मैं यहां नहीं हूं, तुम बस मेरे बारे में सोच रहे हो। जानता हूं, ऐसा होता है। फैसले का वक्त अब नजदीक आ गया है। Please. Jay. कैसा है वो? सो रहा है। क्या उसने कुछ बताया? कुछ ज्यादा तो नहीं। मेरी चाइनीज अच्छी नहीं है और इसके बावजूद मैंने ट्रांसलेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। मैंने उसके परिवार के बारे में उससे पूछा और शिप में मौजूद दूसरे लोगों के बारे में, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस शिप में जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। माइक और एडवर्ड को फ्लाइट लॉग मिला था। पीट सही था। वापसी के लिए शिप में कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने सब जला दिया था। उन्हें कुछ महीने पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। एस्केप पॉड 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था। तब से बच्चा शिप में अकेला था, तभी वो ऐसा बन गया है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनके एस्केप पॉड को लॉन्च करने के हफ्तों बाद एयरलॉक को 5 से 6 बार खोला गया था, लेकिन शिप से कोई नहीं उतरा। हो सकता है उसने खुद को मारने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा कर ना पाया हो। कैप्टन। हाँ बोलो। हम ग्रह के नजदीक पहुंच चुके हैं। प्रोब लॉन्च करने की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रिया। एडवर्ड को फौरन लॉन्च करने के लिए कहो। सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ आकर सब खत्म हो जाता है। हाँ, क्या हम कामयाब हो पाएंगे? जरूर होंगे। मुझे नहीं लगता। नीचे की स्क्रीन पर। हाँ, हम देख सकते हैं। तुमने मुझे बुलाया? कहीं ये प्रोब के बारे में तो नहीं? अभी कुछ कह नहीं सकते। हमें एक और चीज मिली है, एक चाइनीज प्रोब। क्या है उसके बारे में? कंप्यूटर के अनुसार प्रोब उनके एस्केप पॉड को लॉन्च करने के कुछ घंटे पहले भेजा गया था किसी और जगह के लिए। किसी और जगह से क्या मतलब? इस सिस्टम में सिर्फ एक ऐसा ग्रह नहीं जिस पर जीवन हो सकता है, बल्कि दो हैं। वो दोनों एक ही ऑर्बिट में आते हैं और इस वजह से टेलीस्कोपिक स्कैन्स को धोखा देते हैं। इसका मतलब जानते हैं? दो ग्रह जिनमें जीवन संभव हो सकता है। मतलब हमारे पास दो मौके हैं। क्या तुम्हें प्रोब से कोई डेटा ट्रांसमिशन मिला? प्रोब के लॉन्च होते ही शिप रेंज से बाहर हो गई। हो सकता है प्रोब ने कुछ ट्रांसमिट किया हो, लेकिन देखिए सिग्नल शिप तक पहुंच नहीं पाया। हम लोग सोलर सिस्टम के काफी करीब हैं, इसलिए जब हम अपना प्रोब लॉन्च करेंगे फिर तो हमें डेटा ट्रांसमिशन मिलना चाहिए, है ना? मुझे लगता है जरूर मिलेगा। इस वक्त वो दूसरा ग्रह सूरज के पीछे है और अगर मेरे कैलकुलेशन सही हैं तो कुछ ही दिनों में वो दूसरा ग्रह हमारे सामने होगा और हम उसे देख पाएंगे और साथ ही साथ चाइनीज प्रोब से सिग्नल भी मिल जाएंगे। यानी हमें बाजी जीतने के दो मौके मिलेंगे, पर फिलहाल इंतजार करते हैं। क्या सोच रहे हो कैप्टन? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूं? हाँ पता है, पर तुम्हारे लोगों को नहीं पता उस दर्द के बारे में जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ है। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर हमारे बच्चे होते तो वो आज कितने बड़े हो चुके होते हैं। सोचता हूं वो किसके साथ गए होते। तुम्हारे साथ। मैं जिंदा हूं। क्या उसे उसकी मर्जी के खिलाफ लाया गया था? क्या उसकी मां को उस शिप के लोगों ने मार दिया था और बच्चे को छोड़ दिया? या फिर उसने खुद अपनी जान दे दी? या फिर मैंने उन लोगों को मार दिया? शायद कैप्टन होने का मतलब यही है, मुश्किल फैसले लेने होते हैं और उन पर टिके रहना होता है। मैं जानता हूं कैप्टन होना क्या होता है। कैप्टन आप जाग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, सो जाओ, फिक्र मत करो। ये तुमने क्या किया? तुमने इसके साथ ये क्या किया? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। हम साथ मिलकर पिक्चर देख रहे थे, फिर मेरी आंख लगी, जब मैं उठा तो फिर मैंने इसे इस हालत में देखा। ये किसने किया? पेगासस, यहाँ और कौन आया था? चेतावनी, इंजीनियरिंग में मेन फ्रेम ब्रीच, मैं मदद नहीं कर सकती। इस वक्त लायला कहाँ है? ये क्या, मुझे मालूम था ये होने वाला है। हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। ये क्या हो गया? अम्मा, किसने किया? सिक्योरिटी ब्रीच, मेरे प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक्सेस पॉइंट सिर्फ इंजीनियरिंग में है। रुको, मुझे इससे बात करने दो। नेजुएंडा, क्या क्षमा निजासना वामेयो, ये कह रहा है इसने नहीं किया है। हाँ हाँ, ये तो यही बोलेगा। इसके आने से पहले सब ठीक था। ये सिर्फ एक बच्चा है। ये मत भूलो कि माइक सो रहा था और सोते हुए आदमी का गला एक बच्चा भी काट सकता है, और ये तो कोई मामूली बच्चा नहीं है। मुझे भी ये लगता है इसी ने किया है। जय लायला चिनानी बापू चिदा, तुम्हें पता होगा वो कहाँ है। लायला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। ओह लायला, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। तुमने इसे आखिरी बार कब देखा था? थोड़ी देर पहले। इसे मुझे ढूंढना था, खुद नहीं छिपना था। ठीक है, अब बताओ इसका क्या करना है? अगर एयरलॉक ठीक होता तो मैं तो कहता कि इसको बाहर फेंक दो। हम बच्चे को मार नहीं सकते। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कैप्टन कि मैं उस कमरे में कभी नहीं सोऊंगा जिसमें ये बच्चा होगा। ये बच्चा किसी की भी जान ले सकता है। अब मैं जा रहा हूँ। इस वक्त हम सब अपने काम पर लौटते हैं और चेक करते हैं पेगासस ठीक से काम कर रही है या नहीं। मुझे आपको वेकअप कॉल देते हुए खुशी हो रही है, हालांकि मेरे ज्यादातर सेंसर्स अभी भी ऑफलाइन हैं। मुझे माफ करना दोस्त। मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मुझे सोना है। हेली, जेरी, पेगासस, ए डेक कॉरिडोर पैनल 42 के साथ छेड़छाड़ की गई है। शुक्रिया कैप्टन, मैं ब्रिज पर सभी को सावधान करती हूँ। जेन, कैप्टन ने ए डेक के पैनल 42 की तारों को फिर से जोड़ दिया है। मेरे इंटरनल सेंसर्स में से कुछ अब वापस ऑनलाइन आ गए हैं। सभी लोगों की गिनती कर ली गई है, जिसमें ड्रैगन से आए 2 लोग भी हैं। जॉन, जेन, चाइनीज शिप के सेंसर्स भी काम नहीं कर रहे थे सर। अच्छा किया। अब हमें सेंसर्स के बैकअप लेने होंगे और देखना होगा शिप पर कोई और तो नहीं। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ जाओ। मैं इसे ले आई। इसे मेरे पास ले आओ। इसका क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा है कितना डरा हुआ है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे मुझे दो। जरा आराम से उठाओ उसे। पूछो इससे। ये मेरा ऑर्डर है, पूछो इससे। ओ यो तोशिगिरम, ओ यो तोशिगिरो वाशुटुएहोइका छापा वालोशिया चियाएहोइका। ये कहता है इसी आदमी ने इसके लोगों को मारा, सबको मारा था, एक एक करके सबको एयरलॉक के बाहर फेंक दिया था। ये कहता है यही आखिरी था। थाशुआ थापुया वांगमेंग बा इकोंटियोंवा। कैप्टन, जेन ने मेरे बचे हुए इंटरनल सेंसर्स भी ठीक कर दिए हैं। अच्छी बात है। जे ड्रैगन का आखिरी सर्वाइवर है और एडवर्ड के पास प्रोब से खबर है। मैं चाहता हूँ इसे बांध कर रखा जाए। बांध दो इसे। एडवर्ड, कैप्टन ने आपकी रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग रखी है। सभी आपकी जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि अनिर्णायक का क्या मतलब है? इसका मतलब कि हमें जो सिग्नल मिले हैं उसे पता लगाना बहुत मुश्किल है कि जीवन वहां संभव है भी या नहीं। लेकिन यही तो तुम्हें पता लगाना है, क्योंकि तुम ही तो इस काम के माहिर हो ना। इन सब चीजों का पता लगाना तुम्हारा काम है, तो काम करो। कहा ना, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें उतरकर पता लगाना होगा। क्यों नहीं हम कुछ दिन और इंतजार करें ताकि ग्रह साफ साफ दिखाई दे। हमें चाइनीज प्रोब से मिली जानकारी से भी उस ग्रह के बारे में पता चल सकता है। हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं? हमारा एक और ऑक्सीजन यूनिट खराब हो गया है। अब 4 में से सिर्फ 2 बचे हैं। हम उतना ऑक्सीजन नहीं बना रहे जितना इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना वक्त बचा है हमारे पास? उतना नहीं कि प्रोब से डेटा के आने का इंतजार कर सके। पेगासस, कहिए जेरी। अगर शिप में सांस लेने वाले कम कर दिए जाएं, तो बाकियों के जिंदा रहने की संभावना कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ कोई किसी को नहीं मार रहा है। हमने 2 आदमी खो दिए हैं, लेकिन बाकियों के जीने की संभावना बढ़ गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बच्चा अभी तक जिंदा क्यों है। नहीं, हम शिप को नीचे ले जाएंगे। उसकी तैयारी शुरू करो। उस बच्चे पर नजर रखना। अगर हमने लैंड किया तो ये भी हो सकता है कि हम दोबारा जमीन से कभी टेक ऑफ ना कर पाए। जानता हूं। कैप्टन, जेन ने पेगासस को लैंडिंग के लिए तैयार कर दिया है, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहूंगी। 7 साल की यात्रा के बाद और पीट ने जो मेरे सिस्टम में बदलाव किए थे, उससे लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। हमें लैंडिंग को पहले सिमुलेशन में करना चाहिए। हम इसी वक्त जाएंगे। पेगासस, कंट्रोल को मैनुअल पर डालो। पुष्टि की जाती है। कंट्रोल को अब मैनुअल में ट्रांसफर कर दिया है। उतरने की प्रक्रिया शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता नहीं कि यहाँ बात बनने वाली है, पर फिर भी जाके देखता हूँ। मैं साथ चलती हूँ। नहीं, रुको, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अगर हम वापस नहीं आए तो। लैंडिंग मुश्किल होती है, टेक ऑफ आसान होता है। आप कैप्टन हैं, आपको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे बाहर निकलते ही मैं एयरलॉक्स बंद कर दूंगा। तुम उतरने की तैयारियां करो फौरन। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए कैप्टन। ये बहुत दिलचस्प है। क्या? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। चलो रीडिंग्स लेते हैं। ये सही नहीं है। तुम्हें यकीन है? तुम्हें भी वही रीडिंग्स मिल रही है ना जो मुझे मिल रही हैं? हाँ। कैप्टन, आप सुन रहे हैं? हाँ, बोलो। हम 2 मिनट भी इन सूट्स के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे कैप्टन। इस ग्रह के वायुमंडल को हमारे हिसाब से तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। यहाँ मीथेन और नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ का वायुमंडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा 30 लाख साल पहले पृथ्वी पर हुआ करता था। समझ गया, अगली बार किस्मत साथ देगी। अब जल्दी से लौट आओ। ठीक है कैप्टन। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम सब बाहर घूम पाएंगे और तेज हवा को अपने चेहरों पर महसूस कर पाएंगे। याद रहे, अभी हमारे पास एक और मौका है। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वापस शिप पर। आ चुके हैं और एयरलॉक बंद कर दिया गया है। हाँ, अच्छा होगा कि सभी कुछ घंटों के लिए सो जाएं क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं। जब तक आप आराम करेंगे मैं जहाज पर डायग्नोस्टिक्स रन करूंगी। और अच्छा होगा कि कुछ समय के लिए हम कठोर जमीन पर वक्त बिताएं। जेन, कांग्रेचुलेशंस, एक अजनबी दुनिया पर पहला कदम रखने वाली पहली इंसान बनने के लिए। उम्मीद है आपके द्वारा बोले गए पहले शब्द भी यादगार होंगे। हम टेक ऑफ के लिए लगभग 3 घंटों में तैयार हो जाएंगे। तब तक प्लीज आप लोग आराम कीजिए। इग्निशन सीक्वेंस चालू। ये ठीक काम कर रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। जेन, एक प्रॉब्लम आ गई है। इंजन 2 का पावर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। पेगासस, जितनी भी इमरजेंसी पावर है उसे इंजन तक ले जाओ। अब पावर ट्रांसफर हो रही है। सावधान, इंजीनियरिंग में पावर लीक हो रही है। नाइट्रोजन लीक हो रहा है। कहाँ हो रहा है एडवर्ड? इंजीनियरिंग रूम में। जाओ उसे ठीक करो। लेकिन कैसे? जाओ, मुझसे मत पूछो, ठीक करो उसे, जाओ। नाइट्रोजन बचे हुए ऑक्सीजन सप्लाई में भी घुस सकता है। तो उस हिस्से को सील कर दो। उस हिस्से को सील नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बंद किया जा सकता है। हम उसे बंद नहीं कर सकते, वो इंजन का भीतरी भाग है। ये खतरनाक हो सकता है। सावधान, नाइट्रोजन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे टेप चाहिए, किसी भी तरह का मजबूत टेप। और अगर वो मिल सकता है तो सिर्फ पीठ के पास ही मिल सकता है। नहीं, उसके पास नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। सावधान, इंजन कोर को फिर से चालू किया जाता है। मैंने वाकई ये सोचा, जिस रूम के अंदर दो लाशें पड़ी हो, क्यों ना वही कत्ल के हथियार को छिपाया जाए। हम वायुमंडल से बाहर निकल चुके हैं, एक आकस्मिक खतरा, लेकिन चिंता की बात है कि एंटी मैटर इंजन अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहे। चलो भी, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप सही कह रहे हैं कैप्टन। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 3, 2, 1। इंजन रिले ऑफलाइन। हम ये कर सकते हैं, चलो कोशिश करो। रिबूट असफल। काम नहीं कर रहा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 3, 2, 1। इंजन 4 रिबूट हो रहा है। ठीक है, एडवर्ड मर गया। फिर से एक बार। ठीक है कैप्टन, चलो कोशिश करते हैं। 3, 2, 1। एडवर्ड मर चुका है। खर्च कर रहा है, उसकी कार्य प्रणाली को पढ़कर कैसे बंद। ठीक है, दोबारा कोशिश करो। उसी बच्चे ने मारा है, उसने चाकू से मारा है। कृपया लोअर डेक को खाली कर दें। मैं तब इंजन रूम में था जब उसने। कोशिश करती रहो। मैं कुछ नहीं कर रहा। लोअर डेक का लाइव सपोर्ट अब ऑफलाइन है। कोशिश जारी रखो, मैं अभी आया। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। क्या ये पूरे समय यहीं था? यहीं रहना। चेतावनी, एंटी मैटर का स्तर सिर्फ 2% रह गया है और नीचे गिर रहा है। हेली। कैप्टन, लगता है हमने अपनी सारी पावर उस ग्रह से उड़ान भरते वक्त खत्म कर दी है। अब या तो हम अपने बाकी के लोगों को सिग्नल भेज सकते हैं या अगले ग्रह की ओर जा सकते हैं। हम ग्रह की ओर जा रहे हैं, सही कहा ना कैप्टन? कैप्टन, हड़बड़ी में कुछ मत करना कैप्टन, वरना हमारा एक और साथी मारा जाएगा। तुमने मारा उन्हें? नहीं, मैंने तुम्हें आगाह किया था कि अगर उस चाइनीज बच्चे को शिप पर रखा तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। और अब हम उस ग्रह की ओर जा रहे हैं। मेरे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है कैप्टन, लेकिन मैं जब मरूंगा तो खुले आसमान के नीचे मरूंगा। सही फैसला लीजिएगा। बच्चों को बचाइए। क्या मजाक है? मुझे तो लगा था ये बहादुरों की तरह सामना करेगा, ये भी कहर निकला। क्या हुआ? हम बाहर समंदर देखेंगे, जैसा पीट ने तुमसे कहा था। सावधान, अगर इंजन चालू नहीं किए गए तो हम जल्द ही ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की चपेट में आ जाएंगे। हेली। सावधान, हल में बड़ी दरारें पड़ गई है। हल स्टेबिलिटी गिरकर 21% रह गई है। हेलो। जानती हो, वो बच्ची हमेशा से तुम्हारी कमजोरी थी और रहेगी। मैंने कसम खाई थी कि उसकी देखभाल करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन की बेटी है। बच्चों, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और ठीक वैसे ही करना। देखो, इसमें ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए, और बाहर निकलते वक्त अपने दोनों हाथ इस तरह रखना, समझ गए? भूलना मत, ठीक है? फैसला तुरंत लेना था, ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे तुरंत फैसला लेना था, इसलिए मैंने लायला को उठाया और वहाँ से निकल गई। सावधान, शिप खाली करने का एक एस्केप पॉड लॉन्च कर दिया गया है। हमारे बहादुर कैप्टन शिप छोड़कर भाग गए हैं और बातें करते थे मानवता को बचाने की। अगर वो ग्रह रहने लायक है तो हमें वापस सिग्नल भेजना होगा। ये मानवता के लिए हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मानवता को बहुत मौके मिल चुके। अच्छा, तो वो लॉग्स कहाँ पर हैं जो तुम ये रहे। तुम जानती हो ये क्या कह रहे हैं? पूरी तरह से नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्होंने भी एक प्रोब लॉन्च किया था दूसरे ग्रह के लिए, लेकिन वो प्रोब खराब हो गया। अब उनकी बचाई हुई पावर खत्म हो गई थी, तो उन्हें मालूम था कि वो ना तो लैंड कर सकते हैं और ना ही टेक ऑफ। इसलिए वो कैप्टन एक एस्केप पॉड में उस प्रोब के पीछे गया। उसे पॉड ठीक करना था और अपने लोगों को सिग्नल भेजकर ये बताना था कि उस ग्रह पर जिंदा रहा जा सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो उन्हें उस ग्रह पर ना भेजकर उनकी जान बचाई जा सकती थी। और जैसे ही वो वहां से निकले, उनका एक साथी पागल हो गया और सबको मारने लगा। हाँ, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो किसी तरह उस वहशी से खुद को बचाने में कामयाब हो गया। फिर हम वहां पहुंचे। कैप्टन, हमें चाइनीज प्रोब से डेटा मिलना शुरू हो गया है। वहीं रुक जाओ कैप्टन, और बिल्कुल मत हिलना वरना इसका गला काट दूंगा। अगर तुमने यहाँ एक भी गोली चलाई तो हम सब मारे जाएंगे। गन नीचे रखो, जल्दी करो। सावधान, हर ब्रीच वायुमंडल से निकास हो रहा है। ये ग्रह रहने लायक है। सिग्नल भेजो। हमारी सारी पावर खत्म हो जाएगी। जानता हूं। बाकी लोगों को सिग्नल भेज रही हूं। सिग्नल पॉड लॉन्च कर दिया गया है। पावर गिरता जा रहा है। हम ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की चपेट में आ गए हैं। सावधान, हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अगले 20 सेकंड में ग्रह के तापमंडल में प्रवेश करेंगे। हमारे जिंदा रहने की कितनी संभावना है? आपके जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। बधाई हो कैप्टन, आपने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। This movie is encoded by Dr. Star.